सो गाइस अगर आप भी परेशान हैं पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइसेस से, तो टाटा आपके लिए लेके आ गया है ऐसा सीएनजी ऑप्शन जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जी हाँ, टाटा ने लॉन्च कर दी है अपनी प्रीमियम हैचबैक सीएनजी ऑप्शन। एंड गाइस ये कोई नॉर्मल सीएनजी कार नहीं है, बिकॉज इस कार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट इन द सेगमेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन चीजों के बारे में, बट बिफोर दैट अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारी कामयाब। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं एंड जानते हैं इस कार के बारे में। सो गाइस फाइनली टाटा ने अपनी प्रीमियम हैचबैक और क्रॉस को सीएनजी ऑप्शन में उतार दिया एंड इस कार की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। 21,000 देके आप इसको अपने नियरेस्ट शोरूम या फिर टाटा की ऑफिशियल साइट से बुक करा सकते हैं एंड इस कार की डिलीवरी मे फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में हम जानते हैं कि क्या ये कार एक बेटर ऑप्शन है बाकी कंपटीशन के कंपैरिजन में। सो गाइस अगर बात करें इस प्रीमियम हैचबैक के बारे में, तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट इन क्लास है, लाइक ड्यूल सिलेंडर, डायरेक्ट सीएनजी स्टार्ट, थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन, गैस लीक प्रोटेक्शन वार्निंग फीचर। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं यार जो इस कार को स्पेशल बनाते हैं। बात की जाए इस कार के वेरिएंट की, तो ये कार आपको चार वेरिएंट मिलेगी, XE, XM Plus, XZ and XZ Plus। जो लोग अपनी कार में फीचर चाहते हैं वो लोग इसके XZ Plus वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर एसी वैन, 16-inch अलॉय व्हील, लेदर सीट, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स, एम्बिएंट लाइटिंग। सिर्फ फीचर ही नहीं, इस बार टाटा ने इस कार की सेफ्टी में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की, तो ये कार 6 एयरबैग के साथ आती है, जिसपे आपको TPMS, EBD, ABS, टायर प्रोटेक्शन, टायर प्रोटेक्शन डिवाइस एंड सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। सो गाइस सेफ्टी फीचर्स और वेरिएंट के बारे में तो हमने बात कर ली, बट इस बार इस कार में टाटा एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया है जो आने वाले टाइम में सीएनजी कार का गेम चेंज करने वाली है। ये टेक्नोलॉजी टाटा के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा, बट जैसा अभी इस कार का इनिशियल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये कार इस बार टाटा के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। टाटा इस कार में लेके आया है अपनी ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी एंड ये ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी सिर्फ इस कार तक नहीं, इस टेक्नोलॉजी को टाटा अपने टाटा पंच पे भी लेके आने वाला है। जैसा कि हमने ऑटो एक्सपो में इसके दोनों वेरिएंट देखे थे, अब इस कार में आपको सिलेंडर के साथ साथ एक बूट स्पेस भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि सीएनजी कार्स में अपना सामान कैरी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हम सॉल्व होने वाली है। अब आप सीएनजी की बेनिफिट तो ले ही सकते हैं, साथ साथ आपको इसमें एक बूट स्पेस भी मिलता है जिसमें आप अपने जरूरत का सामान कैरी कर सकते हैं। नॉर्मली सीएनजी कार्स के साथ जो प्रॉब्लम आती थी कि लोग अपना सामान कैरी नहीं कर सकते बिकॉज सीएनजी कार में बूट स्पेस नहीं मिलता था, वो प्रॉब्लम इस कार में सॉल्व कर दी गई। ये कार आपको चार कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी, ब्लू, व्हाइट, ग्रे, रेड। एंड अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए, तो जैसे हमने नॉर्मली टाटा के और वेरिएंट में देखा है कि उसका पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में अराउंड 80-90,000 का डिफरेंस आता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें, इसका एक्सी वेरिएंट आपको कॉस्ट कर सकता है 7-7.4 लाख। एक्सएम प्लस वेरिएंट की एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है 8.2-8.5 लाख। XZ variants का expected price हो सकता है 9 लाख to 9.3 लाख। XZ Plus variant आपको 9.5 to 9.8 लाख के बीच में cost कर सकता है। जैसा कि टाटा ने अपनी सारी कार की warranty extend कर दी है, इस कार में भी आपको 3 year plus 1 lakh kilometer की warranty मिलती है। So guys, ये कार आपके लिए एक अच्छा option हो सकती है अगर आप भी अपने लिए CNG कार ढूंढ रहे हैं। So guys, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।